नमस्कार दोस्तों, JDS कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का लास्ट टू चैप्टर कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, और उसमें है लोकतंत्र के परिणाम एवं चुनौतियां। इससे पहले और कुछ बता दें डिटेल, ये क्लास 10th की लास्ट चैप्टर है। इसके पश्चात हम लोग आ जाएंगे इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे। तो इकोनॉमिक्स 6-10 हमें कवर करना है, लेकिन 6, 7, 8 में इकोनॉमिक्स नहीं है, ओनली 9th और 10th में इकोनॉमिक्स है। तो 9th और 10th को हम पूरा कवर करेंगे। कल से या परसों से जो भी हो हम स्टार्ट कर देंगे उसको, 9th और 10th इकोनॉमिक्स। और बीच बीच में हमारा करंट इशू और ये मोटिवेशनल इशू हमारा चलता रहेगा। जो भी इशू मिलेगा हमें एनालिटिकल, जहां पे लगेगा कि हाँ एनालिसिस यहाँ पे बेहतर की जा सकती है, वो मैं कवर किया करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के परिणाम। पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया लोकतंत्र से संबंधित। अब लोकतंत्र के परिणाम क्या हो सकते भाई, और चुनौतियां, ये दोनों एक साथ कंबाइन करके हम बता रहे हैं। लोकतंत्र क्या हम लोगों को देता है? पहला तो उसमें है, लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है। यानी जिस भी राष्ट्र में लोकतंत्र है वहां के नागरिकों में समानता है, बड़े और छोटों के बीच भी समानता, कानून के हिसाब से समान है। यह समानता को बढ़ावा देता है। नंबर टू पॉइंट है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। भाई प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी लोकतांत्रिक देश में, भारत मान लीजिए हम भारत में है, हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हमें कोई कुछ इपवट कहने न पाए, क्यों कहेगा, हम गलती नहीं करेंगे। और वो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें क्यों कहेगा। तो हमें हमारी गरिमा के साथ जीने का पूरा अधिकार लोकतंत्र देता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा मंच हम लोगों का है हमारा और पार्लियामेंट, हमारा संसद, वहां पर इतना ज्यादा डिस्कशन होता किसी एक इशू पर कि कहीं पर भी यह गुंजाइश नहीं रहती है कि यह फैसला गलत हो सकता है। लगभग आप देखते होंगे कि जितने भी फैसले लिए जाते बहुत ही बारीक विश्लेषण के द्वारा ही लिए जाते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि सरकार से भी गलतियां हो जाया करती हैं। इसीलिए लिखा हुआ है फैसले में बेहतरी आती है, यानी यह नहीं कि 100% ही पूरा फैसला हो जाता होगा, कभी कभी गलतियां हो जाया करती हैं। चौथे पॉइंट, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। भाई बाहर सब लोग टकराते रहते हैं, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, एक मंच प्रदान कर दिया, उस मंच पे जो भी आपके दिल और दिमाग में आप बोलिए किसी भी इशू पर, वहां पर पक्ष विपक्ष दोनों बोलेंगे, और उसके बाद में एक कुछ कंक्लूजन तो निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे विवाद होकर खत्म हो जाए, कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा। भाई इंटेलेक्ट लोग हैं, बिना कंक्लूजन निकाले वो छोड़ते नहीं, तो कंक्लूजन निकलेगा। ये टकराहट जो है, ये टकराहट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ भी जाता है। अब लास्ट के पॉइंट पे चलते हैं, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। मैंने कहा था कि फैसले कभी कभी गलती हो जाया करती है सरकार से भी, तो उसको हम पुनः सुधार भी सकते हैं। ये अच्छी बात है। ये नहीं कि एक बार कह दिया कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, हम जो हम कह दिए वही सही है, उसके अलावा कुछ सही है ही नहीं, यानी तो आप ही सब कुछ हैं भैया, और तो कोई कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अगर आपने कोई डिसीजन लिया, हमारे पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया, अगर लगता है जनता को कि गड़बड़ है, वो फैसला हमारे हित में नहीं है, तो जनता विरोध प्रदर्शन करती है, तो सरकार कभी कभी झुक भी जाया करती है। ये लोकतंत्र की खासियत। लोकतंत्र और क्या करता है, ये जिम्मेदार और वैध शासन देता है। भाई सरकार अपने नागरिकों के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री कोई भी सरकार हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और वो वैध शासन के द्वारा वहां गए हैं, जनता ने ही उन्हें इलेक्ट किया है तब वो वहां पहुंचे, ऐसे थोड़ा पहुंच गए हैं। अगर जनता नहीं चाहती तो क्यों प्रधानमंत्री बनते,
या क्यों राष्ट्रपति एमपी बनते नहीं बनते, तो वो वैधता जनता ने उन्हें दिया है, और जब उनको वैधता मिल गया है तो वो एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए जिम्मेदार ही कार्य करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, एक बात है लोकतंत्र में और तानाशाही वाले सेक्शन में, ऑटोक्रेसी में एंड डेमोक्रेसी में, आर्थिक समृद्धि की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र तानाशाही वाले शासकों से, देश से, उससे थोड़ा पीछे रहता है। आप बगल में चाइना को एग्जाम्पल, हालांकि चाइना तानाशाही वाला मामला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो तानाशाही वाला ही है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहने के लिए तो है, लेकिन सब एक है दल में, सब कुछ काम कर लेते हैं, फलाने राष्ट्रपति धमाके, गृहमंत्री ये है वो है, हो जाता है। अब आप उनकी और हमारे तुलना कीजिए, वहां पर है कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे के यहाँ मल्टी पार्टी, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है। 1949 में हम लोगों की दोनों की ग्रोथ रेट एक सेम थी, मैं डाटा बता रहा हूं, आप देख चेक कर लीजिएगा, दोनों की ग्रोथ रेट सेम थी। आज की डेट में 2021 में आप देखेंगे तो चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है। क्यों? अब उसके पीछे भी कारण बताएं, वो जो एक डिसीजन ले रहे हैं उसमें कोई इफ बट करने वाला नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो जनता के हित में है या नहीं है उनसे उनको मतलब नहीं, उनको इससे मतलब है कि वो उससे आर्थिक समृद्धि हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे बड़ा बिंदु यही है कि वो जनता को ध्यान में रख के फैसला नहीं ले रहे हैं, वो आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रख के फैसला ले रहे हैं। और हम लोग लोकतांत्रिक देश के जितने भी लोग हैं, वो पहला जो फैसला लेते हैं वो जनता को ध्यान में रखकर ही फैसला लेते हैं। ये दोनों डिफरेंस है, और इसी कारण से वो थोड़ा सा बेहतर है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और आप देखते हैं, हम लोग जब भी लोकतांत्रिक देश के जो भी देश हैं लोकतांत्रिक, जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, स्कूल पे ध्यान देते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं, इन सब पर, भूख हंगर आप जानते होंगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भूख से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये तो गनीमत है, इंडिया में बहुत हमारा देश इतना खाद्यान्न उत्पादन करता कि फिलहाल तो सुनने में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आता है। एक घटना वही एमपी वाली हमने बताई थी, और उसके अलावा हम कोई पिछले किसी वीडियो में, बाकी हमको सुनने में नहीं आता कि भूख से कोई मरा हो। खाद्यान्न हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, उत्पादन, ये अच्छी बात है। तो हमारी सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, भूख, आवास, इन सब पर ध्यान दिया करती हैं। पहला फर्स्ट हमारा टारगेट ये है, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। असमानता और गरीबी में कमी आती है भाई, जो सरकार है, सरकार तो पहला टारगेट जब भी सरकार बनती है तो उनका जो मैनिफेस्टो होता सबसे पहला उनका टारगेट होता गरीब और किसान, इन लोगों के लिए सबसे पहला उस मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए किसी भी पार्टी के, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे, और काफी हद तक करते भी हैं, ऐसा नहीं करते, करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कमियां रह जाया करती हैं, ये बात है। तो अभी आवास की बात आई, आवास दिया गया, अनाज की बात आई, अभी कोरोना फेज चल ही रहा है, आप देख ही रहे, अनाज की बात आई, अनाज भी पर मंथ दिया ही जा रहा है ताकि कोई भूखा ना रह सके, अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य आता है लोकतंत्र के द्वारा। हमारे यहाँ जो सामाजिक विविधता, आप देख रहे हर तरीके से हमारे यहाँ सामाजिक विविधता है, चाहे वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, चाहे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे इकोनॉमिकल सेक्शन में देखें, हर जगह डाइवर्सिटी है। तो इन तीनों में इतनी विविधता होने के बाद भी
ये सब के सब एक मंच पर आते हैं, सामंजस्य लाया जाता है, तब आगे चलता। कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छा भी है, बुरा नहीं है, डाइवर्सिटी होना बहुत अच्छी बात है भाई। हमारा जो देश है वो तीन प्रकार की फसलें उगाता है। यूरोप का क्या कोई देश तीन प्रकार की फसलें उगाता होगा? आप चेक कर लीजिए, नहीं उगाता है। हमारे क्या गेहूं चावल और मक्का ज्वार बाजरा सब कुछ होता है, कुछ भी ऐसा नहीं हमारे यहां जो ना होता हो। हाँ, बहुत रेयर ऐसा ही है कि एक फल स्ट्रॉबेरी शायद यहां नहीं होता, यूरोप में होता है। जो बिल्कुल ठंडे प्रदेशों का वेजिटेबल है या खाद्यान्न है वही वहां पर हो सकता, बाकी हमारे यहां सब कुछ मौजूद है। ये हमारे नागरिकों की गरिमा और आजादी लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। हमारे यहां प्रत्येक नागरिक की गरिमा है और प्रत्येक नागरिक आजाद है। कोई बंदी किसी भी नागरिक पर कोई बंदिश नहीं, कोई दबाव। आप खुद महसूस करते होंगे कि आप अपने फैमिली में रहते हैं तो बिल्कुल फ्री रहते हैं। ये नहीं कि सरकार आपको आके बीच में डिस्टर्ब कर रही है, पुलिस वाले आके डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई और आके आपको डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पार्टी आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं, एकदम फ्री आप हैं। ये सबसे बड़ी बात है। क्या अंग्रेज शासनकाल में ऐसा फ्री थे? वहां पे तो बोल देते तो जेल में डाल देता था अंग्रेज सरकार, इस सरकार के विरुद्ध में बोले हैं। ये आपका लोकतंत्र के परिणाम हो गया। चुनौतियां भी लोकतंत्र के सामने हैं। प्रायः कभी कभी आप देखते हैं, हर यहां पे आप देख लें, पाकिस्तान में देख लें, अब दस्त कर दिया गया। और दूसरी, ये तो एक बात हुई सरकार की बात, और दूसरी चुनौतियां हैं, बहुत कुछ किया जाना शेष है लोकतांत्रिक देशों को, अमूमन विकासशील देशों को। विकसित राष्ट्र में जिस वहां जहां पर लोकतंत्र, वहां के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे देश को जो लोकतंत्र पर हम लोग चल रहे हैं, यहां पर गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब मेन इशू है जो कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। आज भी हम लोग 65-70% हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है, हमें इसे और बढ़ाया जाने की आवश्यकता है। आज भी हम गरीब, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, हमें इसको और ऊपर किए जाने की आवश्यकता है। ठीक, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार जो हो रहे हैं, एक बड़ा मूवमेंट हुआ था प्रयागराज में, आप देख सुन सकते हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये, सरकारी नौकरी तो हो ही हो, साथ में उनका स्किल डेवलपमेंट भी चले। मान ली सभी को सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं भाई, 1% या 2% पूरे भारत में सरकारी नौकरी प्राप्तकर्ता लोग हैं, और बाकी 98% क्या करेंगे? तो उन 98% के लिए भी सरकार के पास कोई विकल्प होना चाहिए। ये सब चुनौतियां हैं लोकतंत्र के समक्ष। आज का ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर इसी के साथ एंड होता है। अब हम इकोनॉमिक सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, उसके तब 9th और 10th कंप्लीट करेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना मेहनत अभी तक हम NCERT पर कर चुके हैं, शायद हमने अभी तक देखा नहीं किसी को इतना मेहनत करते हुए। और आप लोगों का प्रेम ही है कि हम कंटिन्यू हैं। बीच में कहीं हमने एक आध महीने के लिए बीच में फेस्टिवल आ गया था, इस कारण से डिस्टर्बेंस हुआ, अन्यथा मैं लगातार कंटिन्यू हूँ इस पूरे अपने मिशन को लेकर, और पूरा NCERT 6 to 10 मैं कवर करके आप लोगों को दे रहा हूँ। अब आपकी इच्छा है, आप बेहतर तरीके से उसको समझे, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से कॉन्सेप्ट ग्रेप्स करें। मैक्सिमम फैक्ट्स यहाँ पर NCERT में नहीं अवेलेबल है, मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम फैक्ट्स और कहीं से भी अवेलेबल कर सकते हैं। हाँ, फैक्ट्स हैं यहाँ पर, वो फैक्ट्स सारे फैक्ट्स आए हुए हैं IAS और PCS में, ऐसा नहीं है, सब फैक्ट मैंने डिस्कस भी किया, बीबी में कहीं भूल जाता भी हूँ, हो सकता ना बता पा, लेकिन सारे फैक्ट्स यहाँ से आए हुए हैं, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जहाँ से फैक्ट ना आए हों, तो कवर कर दिया। और बाकी और जहाँ से आपको मिल सकता है वहाँ से भी ग्रेप्स करें आप। नमस्कार, धन्यवाद।